कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर गठबंधन सरकार बनाने का काम किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा एक गुंडे की तरह जो बयान दिया जा रहा है कि हम सबको ठंडा कर देंगे, बिहार की जनता 24 और 25 के चुनाव में पूरे गठबंधन को ठंडा करने का काम करेगी। इस तरह नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़कर एक गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया है और जिस तरह आपने देखा कि लगातार उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक गुंडे की तरह बयान दिया जा रहा है कि हम सबको ठंडा कर देंगे, वो ठंडा मेरा स्पष्ट मानना है कि 2024 और 25 में बिहार की जनता पूरे महागठबंधन को ठंडा करने का काम करेगी, ये बिहार की जनता जवाब देगी। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार की जनता ने इसके लिए जनमत नहीं दिया था और जनमत नहीं देने के बावजूद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यह अस्पष्ट है कि कुछ लोग कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और देश में पूरी तरीके अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले नीतीश कुमार के संबंध में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं। टीएमसी कह रही है कि हम उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं मानते हैं। आप पार्टी ने कहा कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। इसके बावजूद बिहार के गठबंधन के लोग बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ऐसे सरकार के लिए उन्होंने जनमत नहीं दिया और जनमत नहीं देने के बावजूद जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, यह स्पष्ट है कि ये लोग लोभ में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और देश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। और यहाँ तो अब तो कोई पता भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई हम इसको प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप पार्टी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, टीएमसी कहती है नहीं मान रहे। इसके बावजूद बिहार के ठगबंधन के लोग बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर। इस दौरान उन्होंने कहा जहां दुमका की घटना की निंदा की, वहीं उन्होंने भाजपा नेता देवेश कुमार के संबंध में कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि राघोपुर का विकास जब लालू यादव तेजस्वी यादव के रहते नहीं हो सका तो लालू यादव प्रधानमंत्री भी बन जाए, राघोपुर का विकास नहीं होगा। ये जवाब लालू यादव और उनके परिवार को देना चाहिए। और राघोपुर की चिंता तो लालू प्रसाद जी सोचिए कि पति पत्नी और बेटा तीनों वहां से एमएलए हो गए, अब वहां काम नहीं हुआ तो आप समझिए कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राघोपुर का कभी विकास नहीं हो पाए। इसलिए राघोपुर की एक विधानसभा की चिंता जब कोई मुख्यमंत्री रहकर उप मुख्यमंत्री रहकर अपने काम क्षेत्र का नहीं कर सकता है तो पूरे बिहार में विकास की चिंता तो वो कर ही नहीं सकता। कोर्ट काम कर रहा है, उसके लिए कानून बने हैं, कानून के प्रावधान के आधार पर लोग कार्रवाई। सर कल तक आप लोग जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, तो आप भी सुशासन बाबू कहते नहीं थकते थे, अचानक से क्या हो गया कि सिर के बल खड़ी हो गई भाजपा? अचानक नहीं होता, सुशासन बाबू तब तक वो थे जब जंगल राज के पर नेता के साथ नहीं थे। जब लालू प्रसाद जी के साथ रहेंगे तो वो लालू प्रसाद या क्या प्रतीक हो सकते हैं सुशासन के? लालू जी कभी भी प्रतीक नहीं हो सकते हैं, जंगल राज के ही रहेंगे और जंगल राज तो उन्हीं ने स्थापित किया था। अभी तो लालू जी के साथ कभी हुआ करते थे? एकदम मैंने कहा है कि उनके नीतियों से, मैं तो जंगल राज के खिलाफ ही पैदा हुआ, ये भी ध्यान रखिए, मैं हजारों लाठी खाकर लालू यादव जी के चलते 88 दिन तक जेल में भी रहा, मेरे घर तोड़ दिए गए, मैं 22 लोग मैं अपने परिवार से जेल में भी रहा, यह भी इतिहास जाने, मेरे पूरे परिवार के लोग समता पार्टी बनाए। नीतीश कुमार जी आज मलाई खा रहे होंगे तो वो उनका कृपा नहीं है, लवकुश की पार्टी बनाई गई भगवान राम केवल नाम पर, और भगवान राम पर लव ने राज किया और कुछ सब दिन वनवास में बैठा। तो सर अभी से ही भाजपा बिहार में तैयारी कर रही है आने वाली एकदम 2024 और 25 हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे
और भारतीय जनता पार्टी 24 में भी लोकसभा में 400 सीटों से अधिक जीत कर जाएगी और बिहार में हम 40 के 39 जीते थे, 39 ही जीते। सर एक अंतिम सवाल, एक कयास लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव भी बिहार में संभव है? ये तो देखिए, अब गठबंधन 7 पार्टियां एक साथ है, 8वां पार्टी भी उसके साथ चली गई, जो MIM है उसने भी समर्थन विधानसभा में दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा शेर है, अकेले ही इन 8 पर काफी। अयोध्या को जला दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है सर? झारखंड में जो घटना घटी है, और वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में जो दुमका में एक अंकिता के साथ जो जिस तरह का एक भय भरा दृश्य देखा गया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करके जो भी उसमें अपराधी है उनको जेल में ठूसना चाहिए।